नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज पावर्ड बाय स्टिल इंडिया और मैं हूं आपके साथ एकता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने होली से पहले कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। दरअसल योगी सरकार ने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी से करीब 28 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा और जल्द ही इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। दरअसल योगी सरकार के 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने से कर्मचारियों की सैलरी बढ़ जाएगी। अभी तक यूपी में राज्य कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन 4% की बढ़ोतरी बाद ये 50% हो जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में करीब 10 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे में 8 लाख शिक्षक हैं और 10 लाख पेंशनधारी हैं। डीए में बढ़ोतरी के कारण राज्य सरकार के खजाने पर 314 करोड़ का अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। वहीं जब महंगाई भत्ता 50% पहुंच जाता है और उसके पार होने लगता है तो वेतनमान और अन्य भत्तों में भी वृद्धि होती है। हालांकि अब सरकार भी मुश्किल में फंसेगी, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी संगठन सरकार पर 8वें वेतन आयोग गठित केंद्र द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी कि डीआर बढ़ाने के कारण सरकारी खजाने पर करीब 12,869 करोड़ रुपए सालाना का बोझ पड़ेगा। वहीं वर्ष 2024-25 के दौरान कुल प्रभाव 15,014 करोड़ रुपए बैठेंगे। केंद्र की ओर से डीए में बढ़ोतरी के साथ ही परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 27%, 19% और 9% से बढ़कर क्रमशः 30%, 20% और 10% कर दिया गया है। वहीं अब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने डीए में 4% की वृद्धि की थी और ये 50% हो गया था। केंद्र के कदम के बाद से योगी सरकार ने भी इसमें वृद्धि की है। वहीं केंद्र सरकार के कदम के बाद से ग्रेच्युटी के तहत लाभ में 25% की वृद्धि हुई है। इसके तहत सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख रुपए कर दी गई है। भत्तों में बढ़ोतरी से केंद्र के सरकारी खजाने पर सालाना 9,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये थी इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी। अगर अभी भी आपके मन में इस योजना से जुड़ी कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सवाल जरूर से पूछ सकते हैं। इसी के साथ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक ही पहुंचे।